सलाम वालेकुम जनाब प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, आज मैं एक खास अर्ज लेकर आया हूं कि मेरे मुल्क पाकिस्तान को दुनिया की टेरर कैपिटल बना दिया जाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट पर काफी बल दिया है और इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए आतंकियों की ट्रेनिंग स्कूल्स शुरू की हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके टेबल के नीचे देखिए। नहीं नहीं, बम नहीं रखा, एक फाइल रखी है, उसमें हमारी पिछले 5 सालों की एनुअल रिपोर्ट्स रखी हैं। जरा देखिए, दुनिया में आतंक फैलाने में हमारा ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। आई एम प्राउड टू अनाउंस कि दुनिया में हो रहे आतंकी हमलों में से 100% मेरे मुल्क के MIT स्टूडेंट्स, मतलब कि मास्टर्स इन टेररिज्म युवाओं ने किए हैं। मरहूम प्रोफेसर जनाब ओसामा बिन लादेन भी हमारे यहां विजिटिंग फैकल्टी हुआ करते थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी है PPCB, मतलब कि पीठ पर छुरा भोंको। तभी तो भारत के वजीर आजम मोदी जी को हमने दोस्ती के बदले PPCB दिया। उन्होंने हमारी अम्मी जान के लिए शॉल भेजी और हमने उनकी अम्मी के निहत्थे जवानों की पीठ पर भी छुरा भोंक दिया। और जनाब प्रेसिडेंट, हमारी विदेश नीति का एक विशेष पहलू है कश्मीर। हम कश्मीर में सिर्फ आतंकवादियों के डेलीगेशंस भेजते हैं, पर CEOs तो हम नेटिव ही लेते हैं, क्योंकि नेटिव लोगों को लोकल इंडस्ट्री का ज्यादा नॉलेज रहता है। हमारी कश्मीर ब्रांच का ऐसा ही यंग CEO था बुरहान बानी, जिसका या अल्लाह कुछ ही महीनों पहले भारतीय फौज द्वारा बेरहमी से कत्ल किया गया। मिस्टर प्रेसिडेंट, संपूर्ण साउथ एशिया से लेकर US, कनाडा, यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया तक हमारा टेरर बिजनेस फैला हुआ है। 9/11 से लेकर 26/11 तक हमारी मार्केटिंग टीम्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लीज मेरे पाकिस्तान को टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर करें। मुझे यकीन है कि 100% कंट्रीज मेरे फेवर में वोट करेंगे। हम दुनिया को अश्योरेंस देते हैं कि हम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अंत में एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। आज तुम पर आंसुओं की बरसात होगी, फिर वही अंधेरी काली रात होगी, अगर न किया वोट तूने मुझको तो तेरे बदन में खुजली पूरे रात होगी। आई थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट।